आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि द्वि आयनित लिथियम Li2+ के किस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बराबर होती है। दोनों ऊर्जा स्तरों के कक्षीय त्रिज्याओं की भी तुलना कीजिए। ठीक है, तो हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि वो ऊर्जा स्तर कौन सा होगा जिसके लिए हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है वो लिथियम परमाणु की ऊर्जा के बराबर हो जाए। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि लिथियम का ऊर्जा स्तर और हाइड्रोजन परमाणु का वो ऊर्जा स्तर जिसके लिए दोनों की जो ऊर्जा है वो बराबर है, तो वो ऊर्जा स्तर में ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की nth कक्षा में ऊर्जा के लिए जो व्यंजक होता है वो होता है E - mz²e^4/8ε02h²(1/n²) होता है। ठीक है, जहां पर m, e, epsilon naught, h ये सब क्या है, नियतांक है। z क्या है, z है परमाणु क्रमांक और n है मुख्य क्वांटम संख्या। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होती है तो अनुमत स्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो उसकी कक्ष संख्या या उसकी कक्ष संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो E बराबर क्या मिलेगा, E = -KmZ²e^4/8ε02h²/1/n² होता है। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए लिखें तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EH, इसको लिख लेते हैं EH बराबर क्या हो जाएगा -KmE^4 और ये क्या हो जाएगा ZH। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसका हो जाएगा, Z का हो जाएगा, square/8ε02h²/1/nh²। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम, अब अगर हम लिथियम के लिए लिखना चाहें तो लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों की ऊर्जा स्तरों को देखना, तो ये हो जाएगा E लिथियम बराबर क्या हो जाएगा -KmE^4 z, अभी क्या हो जाएगा लिथियम का स्क्वायर /8ε02h² और ये हो जाएगा ऊर्जा स्तर लिथियम का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि ऊर्जा स्तर लिथियम का ऊर्जा स्तर हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बराबर हो जाए, मतलब कि हमें ऊर्जा स्तर को बराबर करना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार EH बराबर है E लिथियम, दोनों की जो ऊर्जाएं हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों जो समीकरण है उनको हम बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा -KmE^4 z²h/8ε02h²/1/n² ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, m^4 कट जाएंगे, 8ε02h² ये क्या हो जाएगा, ये भी पद कट जाएगा पूरा, क्योंकि क्या है नियतांक है। अब देखिए बचेगा क्या, z²h, और देखिए ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह भी कट जाएगा, तो बचेगा z²h/nh² बराबर हो जाएगा z²lithium/n²lithium, क्योंकि क्या है कि z और n के मान लिथियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब देखिए हमें ऊर्जा स्तर निकालना है लिथियम का। ठीक है, कि वो ऊर्जा स्तर कौन सा है लिथियम का जिसके लिए वो हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है n लिथियम का मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं n² लिथियम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से z²lithium/n²h/z²h। ठीक है, ये हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देते हैं। ठीक है, तो z लिथियम क्या होता है, ये होता है 3, ZH क्या होता है, ये होता है 2। भाई देखिए, लिथियम के लिए जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, 3 है, और हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक कितना है, ये 1 होगा, परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, और हाइड्रोजन के लिए क्या बोला गया है, निम्नतम ऊर्जा स्तर, तो निम्नतम ऊर्जा स्तर के लिए क्या हो जाएगा, n = 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे NH = 1।
तो ये मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर लिथियम बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर लिथियम, तो 3 × 9 गुणे एन स्क्वायर एच टी हो जाएगा गुणा 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा, ठीक है, बटे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा, तो हो जाएगा एन स्क्वायर लिथियम बराबर हो जाएगा 9। तो इसे हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर लिथियम बराबर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एन लिथियम बराबर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिथियम के तीसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हाइड्रोजन के निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने मान निकाल लिया है लिथियम का तीसरा, ठीक है। तो तीसरे ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होगी वो हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के बराबर होगी। अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दोनों ऊर्जा स्तरों की कक्षीय त्रिज्याओं की तुलना कीजिए, ठीक है। तो जो ऊर्जा स्तर निकले हैं उनकी कक्षीय त्रिज्याओं की तुलना करनी है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो ऊर्जा स्तर वो क्या है, निम्नतम ऊर्जा स्तर है, और हमने लिथियम का जो ऊर्जा स्तर ज्ञात किया है वो तीसरा ऊर्जा स्तर है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और लिथियम की, तो मतलब लिथियम का तीसरा ऊर्जा स्तर और हाइड्रोजन का प्रथम ऊर्जा स्तर, इन दोनों की जो कक्षीय त्रिज्याएं हैं उनका हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कक्षा में, जब किसी भी स्थायी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो और वो आर त्रिज्या चक्कर लगा रहा है, आर त्रिज्या से चक्कर लगा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके लिए जो अगर हम व्यंजक ज्ञात करते हैं, तो व्यंजक आता है आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के लिए व्यंजक है। तो हम देख सकते हैं सूत्र में एच एप्सिलॉन नॉट एम जेड पाई, ये सब क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, इन सब नियतांक है। और जो z होगा वही क्या होगा, परमाणु विशेष के लिए नियतांक ही होगा, सिर्फ विशेष के लिए एक मान नियत रहता है, तो ये z भी क्या होगा, नियतांक होगा। तो अगर हम देखें तो r बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा n स्क्वायर का। तो हम कह सकते हैं कि अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या होती है वो कक्ष संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब देखिए हम पहला लिखेंगे, हम पहली त्रिज्या है वो लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो पहली त्रिज्या है वो लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो इसको हम दर्शाते हैं आर एच से। तो आर एच बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और देखिए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एच स्क्वायर, और देखिए एन का मान क्या है, हाइड्रोजन के लिए क्या था, न्यूनतम ऊर्जा स्तर था, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे पाई एम। अब देख लीजिए हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, तो जेड बराबर 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणे ई स्क्वायर। तो जो हाइड्रोजन की जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर की जो त्रिज्या होगी वो होगी आर एच बराबर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटे पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा, अब हम लिख लेंगे किसके लिए, लिथियम के लिए। तो लिथियम की त्रिज्या हो जाएगी आर लिथियम बराबर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर। अब देखिए लिथियम के लिए ऊर्जा स्तर क्या है, तीसरा ऊर्जा स्तर ज्ञात हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर बटे पाई एम। अब देखिए तो लिथियम के लिए तो परमाणु क्रमांक वो कितना है, 3, तो ये हो जाएगा गुड़े 3 गुड़े ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमें आर लिथियम प्राप्त होगा, तो 1 3 से 1 3 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा हमें एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटे पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आर लिथियम। अब हमें की कक्षाओं का, कक्षीय त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं, अगर हम समीकरण इसको 2 मान लें लिथियम त्रिज्या का, और हाइड्रोजन अगर जो त्रिज्या है उसको समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आर लिथियम बटे आर हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटे पाई एम ई स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे 3 भी आएगा, ठीक है। तो लिथियम त्रिज्या में क्या आएगा, 3 भी आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग था, ठीक है, बटे ये हो जाएगा गुणे 3, और ये घुड़े हो जाएगा, क्योंकि जब बटे में जाएगा तो ये क्या होगा, जी वाला पद है ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला पद नीचे आ जाएगा, तो ये होगा पाई एम ई स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट बटे घुड़े एच स्क्वायर। तो ये पद से ये पद कैंसिल हो गया, पाई एम ई स्क्वायर से पाई एम ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर लिथियम बटे आर हाइड्रोजन क्या मिल जाएगा, 3/1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो त्रिज्याओं का अनुपात वो कितना हो जाएगा, आर लिथियम अनुपात आर हाइड्रोजन और हो जाएगा 3/1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिथियम के तृतीय
जो ऊर्जा स्तर की जो त्रिज्या है और हाइड्रोजन के निम्नतम ऊर्जा स्तर की जो त्रिज्या है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो होगा 3:1 के बराबर। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर, प्रश्न उनसे यही पूछा गया था कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, और हमसे पूछा गया था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा लिथियम के किस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के बराबर होगी। तो हाइड्रोजन की निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा लिथियम के तीसरे ऊर्जा स्तर के बराबर होगी, ठीक है। और जो अनुपात दोनों की त्रिज्याओं का, दोनों के जो ऊर्जा स्तरों का जो अनुपात है 3:1 होगा, तीसरे ऊर्जा तीसरा ऊर्जा स्तर है लिथियम का और हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर है निम्नतम ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो इन दोनों जो त्रिज्याओं का अनुपात वो है 3:1। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।